नमस्कार मिर्चिनन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मैं रसोई करने इधर आ गई हूँ। देखिए मेरा चावल इधर पक चुका है, दाल भी इधर देखिए मेरा हो रहा है, फ्राई कर चुकी हूँ, लगभग हो गया है। मैं सीटी बजा कर थोड़े उबाल ली हूँ, उसको फ्राई कर ली हूँ। इधर देखिए मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए प्रेशर में पानी चढ़ा दिया है दाल को निकाल कर। ये सब्जी कटाई हो रही है, गोभी गाजर और इधर भिंडी बैंगन टमाटर रखा है। उधर मंगाई हूँ सब्जी, मैं अभी नहीं रखी हूँ फ्रिज में। देखिए हिरवा वाला दाल मंगाई हूँ, नया नया अभी मिल रहा है, बना के आपको दिखाऊंगी मैं। ये है लहसुन, मूली की भाजी, मूली और गाजर, सहजन और फूलगोभी, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च रख दी हूँ मैं, धोने के लिए छोड़ दी हूँ। ये थी भी आज की मंगाई हुई सब्जियाँ, उधर बनाने के लिए भी रख दी हूँ मैं। अभी मूली बहुत अच्छा मिल रहा है तो बना लेते हैं अभी सब्जी। मेरी बड़ी वाली बेटी सब्जियाँ काट रही है और इधर मैं बना दी जाऊँगी, वो काट रही है पत्ता वाला गोभी, गाजर, बैंगन, आलू, हरा वाला मटर नहीं है, ख़त्म हो गया है तो नहीं डाली हूँ। इसमें ना गाजर, बटर, शिमला मिर्च डालो तो बहुत अच्छा लगता है पत्ता गोभी में। अभी के मौसम में तो सब कुछ सब्जियाँ मिल रही हैं, तो मेरे पास जो जो सब्जी थी उसको मैं मिक्स करके बना दे रही हूँ। टमाटर भी उसके साथ दे दे रही हूँ ताकि उसी के साथ वो भी पक जाए। ये टमाटर ना अच्छे से मैश नहीं हो रहा है तो उसको मैं इसी के साथ उबलने के लिए रख दूँगी, सीटी बजा दूँगी। और आलू मैंने नहीं डाला था तो आलू भी डाल दूँगी, दो सीटी लग गई है। अब इसको अलग कर दूँगी। देखिए सीटी जाने के बाद, गैस निकल जाने के बाद खोल दी हूँ मैं। इधर कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, ऑयल डालकर सरसों में डाल दी हूँ। टमाटरों को डाल देंगे इसमें, अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा डालेंगे। उबल गए हैं टमाटर तो जल्दी ही सब्जी तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं सब्जियों के साथ टमाटर भी डाल देती हूँ। आधे टमाटर ना अच्छे से नहीं पकते हैं, इसलिए उबालते वक्त डाल दो तो अच्छे से वो पक जाते हैं और ज़्यादा टाइम पकाना नहीं पड़ता है। देखिए सरसों ऑयल चटक चुके हैं सरसों, तो अब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा दे देंगे। इस तरह से बना के मैं रखी रहती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट घर में ही। थोड़े चला लेंगी ये वाली कड़छी से चलाने से थोड़े इंडक्शन वाली कढ़ाई ख़राब हो जाती है, लेकिन ऑलरेडी तो मेरी सास ने इसको ख़राब कर ही चुकी है मेरी सास, लेकिन फिर भी साइड साइड भी ख़राब हो जाएगा इसलिए उसमें मैं नहीं करूँगी। स्टील वाले कड़छी चम्मच इसमें लगाओ तो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर को ख़राब कर दी है मेरी सासू माँ तो बाहर बाहर को भी ख़राब हो जाएगा उसको लगाने से, इसलिए इसी का यूज करेंगे। और देखिए एक मिनट में टमाटर मैश हो गया, अच्छे से पक चुका था। इसमें हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला था मेरे पहले का तो उसको भी मैं डाल दी हूँ। धनिया पाउडर डालेंगे, अब पत्ता गोभी में ज़्यादा मसाला डालने से अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ही मसाला डालें। थोड़ा सा मसाला और टमाटर चाहिए बस, अभी सीजन का पत्ता गोभी अच्छा भी लगता है। और उसी प्रेशर में ना फ्राई करके डाल देने से भी बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पहले सीटी बजा कर उसको मसाला फ्राई करके डाल रही हूँ। देखिए उबली हुई पत्ता गोभी को डाल देंगे हम लोग। इस तरह से मैं बनाती हूँ, आप प्रेशर में ही डायरेक्ट बना सकते हैं, मसाले को फ्राई कर लें और जो काट के रखे हैं पत्ता गोभी को उसमें डाल दें डायरेक्ट। सीटी बजने के बाद सब्जी तैयार हो जाएगी, पानी मत डालें सीटी बजाते वक्त, पत्ता गोभी में अपने आप निकल आता है पानी। और देखिए गाजर मटर शिमला मिर्च डालें तो बहुत ही अच्छी बनती है पत्ता गोभी की मिक्स वाली सब्जी। बस गाजर डाली हूँ मेरे पास, मटर और शिमला मिर्च ख़त्म हो गए थे। तो देखिए तैयार हो गई हमारी सब्जी, टमाटर को उबाल के डालने से जल्दी ही बन जाता है और पाउडर वाले मसाले भूनकर बनाए जाते हैं, ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ता है। तो तैयार हो गई हमारी गोभी की सब्जी,
इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे बस। देखिए इस तरह से बनाएं, अच्छी लगती है, मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। देखिए धनिया का पत्ता डाल देंगे, इस तरह से बना कर खाएं एक बार तो कैसा लगेगा फिर देखना। तैयार हो गई सब्जी, अब खाना पीना, उसके बाद बर्तन धोना। और देखिए हम लोग 4 बजे थोड़ा सा कुछ कुछ लेना था तो गए थे सेल में, दिखा दे रही हूँ, नया नया सेल खुला है ये। कुछ खास सामान नहीं है, पर हम लोगों को एक तो दीवार वाला घड़ी लेना था, जो ना हम लोगों ने नया रूम अभी पोड़ा है, वो रूम में घड़ी नहीं है, तो रूम में लगाने के लिए एक तो दीवार वाला घड़ी लेने के लिए आए थे हम लोग। देखिए इस तरह का सामान रखे हैं लोग। खिलौना भी रखे हैं, कपड़े भी अभी नया नया ला रहे हैं, कुछ कुछ सामान। कुछ प्लास्टिक के सामान हैं, जूता चप्पल हैं। अभी नया नया साड़ी भी मंगा रहे हैं। और देखिए डिब्बे भी हैं, मैसर चौकोर, बहुत कुछ है। बाकी देखिए ये वाला दीवार घड़ी है, फ्रेम है, देखिए गिफ्ट विफ्ट देने के लिए, सब 99 वाला सेल है ये, हर चीज़ 99 का है। कुछ कुछ सामान का ज़रूरत था तो हम लोग अभी सेल आए हैं। देखिए मेरी बड़ी वाली बेटी माही, हेलो गाइस, कहीं दे हम लोग सेल आए हैं घड़ी लेने के लिए, थोड़ा देख रहे हैं। देखिए यह घड़ी, माही को कुछ चाहिए तो मेरे को दिखाने ले जा रही है। इसके बाद हम लोग फैंसी वाले दुकान आ गए हैं, चूड़ी, शैम्पू, नेल पॉलिश, बिंदी, लेजर, कुछ कुछ लेना था। क्या क्या सामान ली हूँ मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और इसके बाद यहाँ से हम लोग सीधा घर आ गए। देखिए घर पहुंचकर खाना बनाना चालू कर दी हूँ मैं, जल्दी थोड़ा बनाना है क्योंकि मेरी सासू माँ भी हमारी तरफ है, अभी थोड़ा जल्दी खाती है वो, तो जल्दी जल्दी गैस हीटर सब में चढ़ा दी हूँ, जल्दी ही बन जाएगा। और आज न कार्तिक मास जा चुका है, आज पहला दिन है कार्तिक पुन्नी के, जो नेक्स्ट में जो डे आता है उसमें ना सभाखाई मानते हैं हमारे तरफ संबलपुरी साइड में, थोड़ा जैसे कि बॉर्डर है तो संबलपुरी टाइप से ही इधर भी चलते हैं, तो कार्तिक के महीना भर नहीं खाते हैं मांस मछली, तो उसके अगले दिन कार्तिक मास जाने के बाद फिर मांस मछली लाते हैं और खाते हैं। एक महीने तक नहीं खाए हैं मैंने, कार्तिक मास जाने के बाद हम लोग अब खाएंगे बोलते हैं। और उसके नेक्स्ट डे ना लाए थे मांस, तो भी बनाएंगे हम लोग, चिकन है ये। देखिए चावल बन चुका है, दाल बन रहा है, उधर टमाटर चटनी बना रही हूँ मैं, फिर बना लेंगे चिकन। चिकन बनने से ना और कुछ सब्जी उतना तो पसंद नहीं करते हैं, बाकी सलाद वलाद बना कर खा लेंगे। टमाटर की चटनी बनाई हूँ और दाल बनाई हूँ, इसके बाद देखो चिकन बना लेंगे हम लोग, मेरी बेटी हेल्प करेगी। मसाले वसाले निकाल चुकी है वो पेस्ट बनाने के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना कर रखी हूँ, प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाएगी। देखिए कढ़ाई चढ़ाकर मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है और टमाटर और प्याज का पेस्ट भी बना लिए हम लोग, फ्राई करने के लिए प्याज काटी थी मेरी बेटी। और फिर जो पाउडर वाले मसाले हैं ना उनको पहले निकाल लेंगे, क्योंकि मांस मच्छी होकर नहीं छूते हैं हम लोग, उसी मसालों से पूजा पाठ वाला भी बनता है, और रोज़ का खाना क्यों इसमें मिक्स करेंगे कहकर पहले मसाले निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग चिकन बनाएंगे, नहीं छुआते हैं उसमें,
पहले निकाल लेंगे मसाले, फिर चिकन बनाएंगे। देखिए पाउडर वाले मसाले मैंने कटोरे में निकाल लिया है, घोल लेंगे उसको पानी थोड़ा डालकर। पाउडर वाले मसाले को इस तरह से निकाल कर फुला लें, अच्छा रहता है। जीरा थोड़े से चिरक जाने के बाद देखिए मेरी बेटी उसमें प्याज डाल दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देगी। मैं डाल दे रही हूँ, वो प्याज फ्राई कर रही है। उसके बाद में इसमें कच्चा वाला लहसुन डालेंगे छिलका समेत 3-4 कली। अच्छा लगता है कच्चा लहसुन वाला को थोड़ा सा तोड़ दें छिलका समेत और डाल दें ऑयल में। और उसके बाद हरी वाली मिर्च 1-2 डाल दें, अच्छा स्मेल आता है। देखिए मिर्च भी डाल दे रही हूँ मैं हरी वाली, थोड़ा थोड़ा तोड़ के। लहसुन और मिर्च डालें और थोड़ा सा अदरक को पीस कर डालने से भी अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा अदरक को पीस लेंगे इसमें, पेस्ट तो डाली हूँ फिर भी किसा हुआ थोड़ा सा डालेंगे, अच्छा लगता है चिकन। इस तरह से बनाते हैं हम लोग। तेज पत्ता भी डालते हैं पर ख़त्म हो गया है। और देखिए पाउडर वाले मसाले को मैंने घोल दिया है, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज को, अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद जो हम लोग पेस्ट बनाए हैं टमाटर का और प्याज का उसको डालेंगे। आप सिर्फ प्याज अदरक लहसुन वाला पेस्ट डालकर बाद में टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन एक ही साथ पेस्ट बनानी थी तो उसको साथ में डाल दे रहे हैं, फ्राई हो जाएगा। छोटा सा टमाटर और एक बड़ा सा प्याज का पेस्ट बनाई है। देखिए सबको करछी में साफ करके डाल दी है, अच्छे से फ्राई कर लेगी चिकन में ना मसाला, अच्छे से फ्राई हो जाए तो अच्छा टेस्ट आता है। मसालों को धीमी आंच में आराम से फ्राई करें। और देखिए बड़ी वाली तो हमारी खाती नहीं है चिकन, कौन छोटी और मंदी वाली खाते हैं, तो बोली कि मैं बनाऊंगी आप बताओ, तो बना रही है। मैं बता दे रही हूँ कितना डालना है उसको, बेटियों को भी बनाना आना चाहिए इस तरह का सब कुछ जो लोग खाते हैं। देखिए कितना कितना मसाला हल्दी डालना है मैं बता दे रही हूँ, वो डाल रही है। उसको ना खाना बनाने का शौक़ है, जो जो आता है वो बनाती है, तो बोले कि चिकन भी मेरे को बता दो। और अभी देखिए पाउडर वाले मसाले जो घोल के रखी थी मैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर सबको डाल दी हूँ। सॉरी हल्दी पाउडर पहले डाल दी थी मैं, मिर्च और जीरा धनिया का पाउडर था। और यह कलर वाला थोड़ा सा मिर्च, देखिए मेरी मझली वाली बेटी चिकन बना रही है मैं बता दे रही हूँ। कोई कोई व्यूअर बोलते हैं कि अपनी बेटियों से खाना बनवाती है, ये सोच बदलिए और बच्चों को सिखाइए काम। मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर और फ्राई कर ले रही है, अच्छे से मसाले फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चिकन को धो लेंगे 2 बार, उसके बाद डालेंगे। देखिए मैंने एक प्लास्टिक के टोपिए में निकाल लिया है चिकन को, कटा हुआ ही लाए थे तो अच्छे से उसको धो लेंगे 2-3 पानी, उसके बाद बनाएंगे। चिकन को धोकर ही बनाएं, धो ली हूँ मैं 2 बार और उसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर उसको डाल रही हूँ। मांस मच्छी खाते हैं पर साफ सफाई करके खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का कटा हुआ बना हुआ आता है, तो हमेशा धोकर ही बनाएं घर में अच्छे से चिकन को। कोई कोई तो बिना धोए बना लेते हैं, लेकिन बिना धोए मत बनाएं चिकन को। हम लोग कभी कभार खाते हैं, ज़्यादा तो खाते नहीं हैं। और देखिए अच्छे से मिक्स कर लें इसको
और अच्छे से पकने तक इसको हम लोग चलाते रहेंगे ढकते हुए। और इसके बाद इसमें हम लोग गरम मसाले, मीट वाले मसाले बाद में डालेंगे पक जाने के बाद। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें खुद ब खुद ऑयल पानी निकल आएगा, अभी थोड़ा सूखा है। चलाते रहेंगे कम आंच में। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम लोग नमक डाल दिए हैं। नमक डाल देने से अच्छे से पानी निकल आता है इसमें। और फिर ढकते हुए चलाएंगे इसको, ढकते रहेंगे कम आंच में। देखिए थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे। नमक डालने के बाद इसमें देखिए पानी निकलने लगा है और उसी में वो अच्छे से पक जाएगा। देखिए पानी भी डाल दी हूँ मैं इसमें थोड़ा सा, और डाल दे रहे हैं थोड़ा ग्रेवी बनाना है तो। बच्चे लोग ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, नहीं तो इसको ना सूखी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता है, थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद आता है उनको। देखिए हम लोगों ने चिकन मसाला भी डाल देंगे इसमें, अभी लगभग हो चुका है। चिकन मसाला अपने हिसाब से डालें। एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालिए हम लोग। और देखिए पकने के लिए ढक देंगे, मसाला का स्मेल उसमें ही रह जाए और हमारा चिकन फिर तैयार हो जाएगा। इधर जो दाल पकाए थे हम लोग, ढक्कन निकल चुका है उसका, तो उस दाल को भी मेरी बेटी फ्राई कर ले रही है। मूंग वाली दाल है, कुछ ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ता है उसको, सिर्फ मिर्च लहसुन और सरसों का छौंक लगा देगी। छिलके वाली मूंग दाल है। इधर चिकन भी हमारी पक गई, देखिए अच्छे से तैयार हो गई। इस तरह से हम लोग बनाते हैं चिकन, जब भी कभी खाते हैं, तो ज़्यादा तो खाते नहीं हैं। ये चिकन सब्जी तैयार। अब इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता काट कर डाल देंगे। बस तैयार हो गई हमारी चिकन की सब्जी। बनाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं बताना, हम लोग तो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, कभी कभार बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नए नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।